धर्मा प्रोडक्शन की तरफ से इत्तेफाक फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया है। यकीन मानिए, बेहद दमदार अभिनय का परिचय दिया है फिल्म के कलाकारों ने। सिद्धार्थ मल्होत्रा, अक्षय खन्ना और सोनाक्षी सिन्हा की मेहनत ट्रेलर में दिख रही है। फिल्म में अक्षय खन्ना ने एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभाई है, जो दो मर्डर केस का मसला सुलझाने में जुटे हुए हैं, जबकि सोनाक्षी सिन्हा का रोल रहस्यमय है। ट्रेलर में सिद्धार्थ मल्होत्रा पुलिस के हाथों बुरे फंसे हैं। पुलिस उन्हें झूठा मान रही है और सिद्धार्थ पर दो खून का इल्जाम लगा रही है। वहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा पुलिस को बता रहे हैं कि खून में सोनाक्षी सिन्हा का हाथ है। एक्शन, थ्रिलर और सस्पेंस से भरपूर इस फिल्म को देखने का मजा ही कुछ और है। पर दोस्तों, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हम आपका थोड़ा सा मजाक खराब करने वाले हैं। दरअसल इत्तेफाक फिल्म का क्लाइमैक्स लीक हो गया है। हमें पता चल गया है कि फिल्म के अंत में क्या होने वाला है। फिल्म में जो दो खून हुए हैं, उसका हत्यारा कौन है? क्या वो पुलिस के हत्थे चढ़े सिद्धार्थ मल्होत्रा है? क्या फिल्म में हाउसवाइफ का किरदार निभा रही सोनाक्षी सिन्हा है, या पुलिस की भूमिका निभा रहे अक्षय खन्ना? इन सवालों के जवाब हमारे पास हैं, लेकिन फिल्म का क्लाइमैक्स बताकर हम आपका दिल तोड़ना नहीं चाहते। वैसे आप चाहें तो क्लाइमैक्स के बारे में खुद ही जान सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, आपको बस एक क्लासिक फिल्म डाउनलोड करनी होगी। जी हाँ, हम बता रहे हैं साल 1969 में आई राजेश खन्ना की फिल्म इत्तेफाक की। राजेश खन्ना के इत्तेफाक में आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा की इत्तेफाक का सारा क्लाइमैक्स मिल जाएगा। हालांकि करण जौहर के अनुसार इस फिल्म के क्लाइमैक्स को लेकर कुछ फेरबदल किए गए हैं, पर रियलिटी बिना फिल्म किसी काम की नहीं है। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।